हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास टेंथ का फर्स्ट चैप्टर, अ लेटर टू गॉड। अ लेटर टू गॉड ये टेंथ स्टैंडर्ड का फर्स्ट लेसन है। पूरी स्टोरी जो है इंग्लिश में है, जिसका आज हम हिंदी में एक्सप्लेनेशन देखने वाले हैं। शुरुआत होती है स्टोरी की एक फार्मर से, एक किसान से, जिसका नाम होता है लेंड्रो। ये जो है एक पहाड़ी पर रहता है, यहाँ पर उसका एक घर होता है और पूरी पहाड़ी पर सिर्फ और सिर्फ इस अकेले का घर होता है। अगर हम बात करें आउटसाइड व्यू की, घर के आउटसाइड व्यू की, तो इसके घर के बाहर जो है पहाड़ी के नीचे अगर हम देखें तो नदी बह रही होती है। इसके खेत जो, चूँकि ये फार्मर होता है, किसान होता है, इसके खेत जो है लहलहा रहे होते हैं। और जो है आउटसाइड व्यू को बहुत ही ब्यूटिफुली प्रेजेंट किया गया है स्टोरी में। अब जब ये देखता है अपने खेत की तरफ, एक रोज़ का वाक्य है कि अपने घर के बाहर खड़ा होता है, अपने खेतों को देख रहा होता है। अब इस वक्त जो है वो जब आसमान की तरफ देखता है तो उसे काले बादल नज़र आते हैं। अब काले बादलों को देखकर वो ये अंदाज़ा लगा लेता है कि अब जो है बारिश होने वाली है। और ये जो बात है कि अब बारिश होने वाली है, एक बड़ी खुशी की बात होती है किसान के लिए। तो वो बादलों को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और उसकी बीवी जो अंदर खाना पका रही होती है घर में, उससे कहता है कि लगता है कि अब बारिश होने वाली है और ये जो बारिश है ना, ये हमारे लिए सोने की बारिश होगी। ये जो है बूंदों वाली बारिश नहीं होगी, ये हमारे लिए सोने की बारिश होगी, क्योंकि ये बारिश हमारे लिए बहुत ज़्यादा खुशहाली लेकर आने वाली है, हमारी फसलों के लिए ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगी। अब इस फैमिली का जो है फेथ गॉड में बहुत ज़्यादा बताया गया। अंदर जो उसकी बीवी खाना पका रही होती है, वो अपने हस्बैंड की बात को सुनकर कहती है कि हाँ, मुझे भी यही लगता है, मुझे जो है भगवान पर पूरा भरोसा है कि जो बारिश होगी हमारे लिए जो है वो बेनिफिशियल रहेगी। अब ये बात कर कर जो है जो फार्मर है लेंड्रो, वो घर के अंदर आता है और खाना खाने ही लगता है कि बारिश शुरू हो जाती है। और जैसे ही बारिश शुरू होती है, धीरे धीरे जो है बारिश की रफ्तार जो है बढ़ने लगती है, और जिस रफ्तार से वो बढ़ रही होती है, लेंड्रो को इस बात का डर रहता है कि मेरे लिए ब्लेसिंग्स की जगह कहीं ये मेरे लिए अभिशाप ना बन जाए, यानी मुझे इस बढ़ती हुई बारिश से फ़ायदे की जगह कहीं नुकसान ना पहुँचे। और जिसका ये डर रहता है वो कुछ देर के बाद सही हो जाता है, क्योंकि बारिश इतनी भयानक हो जाती है कि ओले पड़ने लगते हैं। अब इन ओले पड़ने की वजह से जो है उसकी पूरी फसल बर्बाद हो जाती है। अब ये सब मामला ख़त्म हो जाने के बाद में वो ये सब देख कर बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है। उदास होने के बाद में वो एक लेटर लिखता, वो डिसाइड करता है कि मेरी जो फसल थी बर्बाद हो गई है, अब जो है मैं किस से हेल्प ले सकता हूँ, सिर्फ और सिर्फ गॉड से हेल्प ले सकता हूँ। उसका जो फेथ था गॉड में वो इतना ज़्यादा था कि वो इस चीज़ को बिलीव करता है कि अगर मेरा नुकसान हुआ है तो मेरा फ़ायदा भी जो होगा वो गॉड ही करवाएगा। तो वो डिसाइड करता है कि वो एक लेटर लिखेगा। ही विल राइट अ लेटर टू द गॉड, गॉड को एक लेटर लिखेगा और उसमें इस चीज़ की कंप्लेन करेगा कि मेरी जो है फसल पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है, मैं पूरी तरह बर्बाद हो चुका हूँ। अब वो लेटर लिखता है और उसमें डिस्क्राइब करता है गॉड को कि डियर गॉड, मेरी जो फसल उगाई थी मैंने, ये बारिश की वजह से, तूफान की वजह से पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। अब जो है मेरे पास कुछ भी नहीं बचा कि मैं दोबारा से खेती कर सकूँ, मुझे अब ज़रूरत है 100 पैसों की। उसने अमाउंट भी मेंशन किया कि मुझे जो है 100 पैसों की ज़रूरत है ताकि मैं दोबारा से बीज खरीद सकूं और जो है मैं बीज लगा सकूं और अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकूं। तो फ़िलहाल मुझे इतनी इतनी रकम की ज़रूरत है। और ये चीज़ को वो अनयूजुअल नहीं समझता, जैसे उसे पूरा भरोसा था कि मैं जो लेटर लिखने वाला हूँ ये गॉड को पहुँचेगा ही। वो लेता है, लेकर जाकर उसको पोस्ट कर देता है। अब जैसे ही लेटर पोस्ट ऑफिस में आता है, पोस्ट मास्टर उस लेटर पर लिखते हैं कि देखते हैं कि ये लेटर पर कोई एड्रेस नहीं लिखा गया है, बस इतना लिखा गया है टू गॉड, यानी गॉड के लिए ये लेटर। तो पहले तो पोस्ट ऑफिस में जो वर्कर्स होते हैं उस लेटर को देखकर बहुत ज़्यादा हंसते हैं कि ये कौन बेवकूफ़ इंसान है जिसने लेटर गॉड को लिख दिया। तो पहले तो बहुत मजाक उड़ाते हैं, लेकिन बाद में वो लोग उसकी कंडीशन को रियलाइज़ करते हैं लेटर पढ़ने के बाद में कि वाकई में ये इंसान बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ में है, मुसीबत में, और इसका भरोसा जो है गॉड के ऊपर बहुत ज़्यादा है। तो हमें चाहिए कि हम इसके विश्वास को टूटने ना दें और इसकी मदद करें इस तरह से कि इसका विश्वास जो है बरकरार रहे गॉड के ऊपर। तो वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो लोग डोनेशन करेंगे
सब मिलकर जो है उसको जिस जितने अमाउंट की ज़रूरत है, जैसे उसको 100 पैसे उसकी ज़रूरत है, तो वो अमाउंट जो है हम लोग कलेक्ट करेंगे और उस तक पहुँचा देंगे। तो सब मिलकर जो है डोनेशन करते हैं, और डोनेशन करने के बाद में 70 पैसों यानी 70 जो है उसकी अमाउंट थी, 100 पैसों उसकी डिमांड थी 100 पैसों की, लेकिन वो लोग सिर्फ 70 पैसों ही जमा करते। सम हाउ दे मैनेज को उसको कैसे किसी तरह से वो मैनेज करते हैं और उसको जो है एक एनवलप में डालकर उस तक पहुँचा देते हैं, जो लैंड जो फार्मर है उस तक पहुँचा देते हैं। अब वो जैसे रिसीव करता है इस पार्सल को, इस लेटर को, उसे कुछ ताज्जुब नहीं होता कि ये क्या हो गया कि मुझे तो भगवान की तरफ से पैसे आ गए। तो उसको कोई ताज्जुब नहीं करता, उसे तो पता था कि मैंने भगवान को लेटर लिखा है तो मुझे ये जो है उसका रिप्लाई आएगा ही। तो वो इतने भरोसे के साथ, इतने विश्वास के साथ उस चीज़ को ले लेता है, उस एनवलप को ले लेता है। अब जैसे ही वो एनवलप को ओपन करता है तो वो देखता है कि उसमें सिर्फ और सिर्फ 70 पैसों से। अब उसको जो है बहुत गुस्सा आता है, वो बोलता है कि मैंने तो जो है डिमांड की थी 100 पैसों की, अब यहाँ पर तो मुझे सिर्फ 70 पैसों मिले। अब वो डिसाइड करता है कि मैं दोबारा से लेटर लिखूँगा। तो दोबारा से वो लेटर लिखता है गॉड को, और उसमें वो कंप्लेन करता है कि डियर गॉड, मैंने आपको डिमांड की थी 100 पैसों की, लेकिन मेरे पास जो है सिर्फ 70 पैसों ही आए। मुझे ऐसा लगता है कि जो पोस्ट ऑफिस में जो वर्कर्स हैं ना, उन्होंने मेरे 30 पैसों जो है चुरा लिए। तो अगली बार अगर आप मुझे पैसे भेजो तो आप पोस्ट ऑफिस के थ्रू मत भेजना, क्योंकि ये लोग जो है पैसे मेरे चुरा लेते हैं। तो एंड इस तरह से होता है कि आयरनी देखिए आप यहाँ पर, कि जिन लोगों ने पैसे कलेक्ट कर उसकी हेल्प की थी, वो उन्हीं पर शक करता है कि ये लोगों ने मेरे पैसे चुरा लिए। तो इस मोड़ पर जो है यहाँ पर कहानी की एंड हो जाती है। तो ये एक्सप्लेनेशन था हमारा फर्स्ट चैप्टर का, क्लास 10th के। नेक्स्ट चैप्टर मैं बहुत ही जल्दी एक्सप्लेन करूँगी। होप ये लेक्चर आपको समझ में आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर।